पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। केदारनाथ धाम के आज बंद होंगे कपाट। बड़ी खबर इस वक्त की है, शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे केदार के कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। बाबा की डोली धाम से शीतकालीन गद्दी स्थल होगी रवाना। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान होगी डोली। रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी डोली। तो कल बाबा की डोली शीतकाल के लिए गद्दी स्थल में विराजमान होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, आपको बता दें शीतकाल के लिए बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। बाबा की डोली धाम से शीतकाल गद्दी के लिए होगी रवाना। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान होगी तो केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो आज बंद हो जाएंगे और शीतकाल के लिए केदार धाम के जो कपाट है वो बंद किए जाएंगे। सुबह 8:30 बजे कपाट जो है वो बंद होगी। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान होगी डोली। तो शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे केदार धाम के कपाट। सुबह 8:30 बजे कपाट बंद होंगे। तो सोचिए जब सुबह 8:30 बजे कपाट बंद होंगे उससे पहले श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आएगी। चार धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद होना शुरू हो गया है। आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। सुबह करीब 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ का कपाट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। फिर 8:30 बजे बाबा केदार की उत्सव डोली निकलेगी। वहीं उत्सव डोली अगले दिन 8 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में प्रवेश करेगी। पूजा अर्चना और परंपरा अनुसार डोली को शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान किया जाएगा, जहां बाबा केदार की 6 महीने शीतकालीन जो है पूजा की जाएगी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, यमुनोत्री के कपाट आज बंद होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की है, दोपहर 12:45 पर बंद होंगे ये कपाट। सोमेश्वर देवता की टोली यमुनोत्री के लिए रवाना। खरसाली गांव में निवास करेंगी यमुनोत्री की ये टोली। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम में कपाट बंद करने की तैयारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, आपको बता दें हमारे सहयोगी जगमोहन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है, यमुनोत्री के कपाट आज बंद होंगे 12:45 पर, उससे पहले क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? तो अपने सहयोगी से जुड़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि यमुनोत्री धाम के कपाट जो हैं वो आज बंद हो जाएंगे 12:45 पर। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ ही कपाट को बंद किया जाएगा। हालांकि जब 12:45 पर इस कपाट को बंद कर दिया जाएगा तो उससे पहले सोचिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ वहाँ पर नजर आएगी। तो चार धाम यात्रा की अगर बात करें तो वहाँ पर पहले केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो आज बंद कर दिए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट जो हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। तो हमारे सहयोगी जगमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर गए हैं। जगमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है, यमुनोत्री धाम के कपाट जो हैं 12:45 पर बंद हो जाएंगे, उससे पहले क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? इस तरीके से चार धाम के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए थे, आज 12:45 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आज सुबह से ही गंगोत्री धाम में विशेष पूजा और वहाँ पे जो सष्टनाम पाठ होते हैं वहाँ पे जो पूजा अर्चना विशेष पूजा हो रही है वहाँ पे, उसके बाद ठीक 12:45 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। कुछ ही देर में जो यमुना के भाई शनि महाराज हैं वो यमुनोत्री धाम के रवाना होंगे और यमुना की अगुवाई करते हुए शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा खरसाली में डोली आएगी, जिसके लिए विशेष तैयारियां खरसाली में भी की गई है। खरसाली में जो यमुना का मंदिर है उसे फूलों से सजाया गया है और लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि यमुना की डोली जब आएगी तो उसका स्वागत वहां पे किया जाएगा। मान्यता है कि जो गंगोत्री है यमुनोत्री मंदिर जो है वहां पे शीतकाल के लिए 6 महीने रहती है डोली और अपनी बेटी की तरह मानते हैं जो मुखवा के ग्रामीण है माँ गंगा को, और जो खरसाली के ग्रामीण है वो माँ यमुना को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तो वहाँ पे स्वागत की तैयारी की जा रही है। जी,
बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए जगमोहन। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 12:45 पर जब ये कपाट बंद होंगे उससे पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए मौजूद हैं। शीतकाल के लिए पूरे विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। शुक्रवार की सुबह 11:45 पर पूजा अर्चना के साथ कपाट बंद हुए। इस मौके पर गंगोत्री धाम में विशेष पूजा गंगा लहरी गंगा सहस्त्रनाम पाठ किया गया। साथ ही मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव के लिए रवाना हुई है। 6 महीने तक मां गंगा की डोली मुखबा में ही रहेगी। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद हो गए। यमुना की डोली लेने के लिए खरशाली गाँव से शनि महाराज की डोली आज सुबह यमुनोत्री पहुँचेगी। पुण्यशिला भगवत गंगे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। माँ गंगा की डोली यहाँ से 11:45 पर रवाना हो चुकी है। अब माँ गंगा के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखी पर होंगे और अगले वर्ष वैशाख अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर माँ गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में केदार मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां पीएम ने भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के बाद जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। पीएम ने उत्तराखंड के युवाओं से कहा है कि अब पहाड़ का पानी जवानी और दोनों उत्तराखंड के काम आएंगे। इसी मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी 15 मिनट से ज्यादा समय तक रुके और विधिवत पूजा की। यहां पीएम मोदी ने बाबा केदार पर बागंबर वस्त्र चढ़ाए और षोडशो पूजन किया। दूध दही मधु जैसी चीजों से मंदिर के पुजारियों ने बाबा केदार की पूजा कराई। पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके ठीक बाद प्रतिमा के पास में ही पीएम मोदी ध्यान की मुद्रा में बैठे। आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल बीते मैंने बिताए, एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य की ये प्रतिमा उनके समाधि स्थल पर बनाई गई है। ये प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी है। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में ये क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन एक बार फिर इस समाधि स्थल को जीवंत कर दिया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा का निर्माण साल 2020 में शुरू हुआ था और करीब एक साल में इसे 9 लोगों की एक खास टीम ने तैयार कर लिया। इस प्रतिमा के निर्माण में ब्लैक स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के बाद पीएम मोदी धर्म यात्रा पर भी निकले। इस धर्म पथ को अभी हाल ही में तैयार किया गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही करोड़ों के परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस दौरान उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या। लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा।
और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था। इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई थी। इसके तहत चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों समेत कुल मिलाकर 27 तीर्थ स्थलों पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एलईडी और बिग स्क्रीन पर सीधा प्रसारित किया गया। केदारनाथ से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। केदारनाथ मंदिर में पीएम मोदी के दर्शन और पूजन के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों में हुआ। यूपी में अलग अलग जगहों पर मंदिरों में लाइव प्रसारण की व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि पीएम के केदारनाथ कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। शुक्रवार को बाबा केदारनाथ के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथा टेकने पहुंचे थे। करीब 15 मिनट से ज्यादा समय तक पीएम मोदी ने गर्भगृह में बाबा केदार की आराधना की, विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके का लाइव प्रसारण देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों समेत कई मुख्य मंदिरों में हुआ, जहां वहां के जनप्रतिनिधि या मंत्री उपस्थित थे। इस मौके पर लाइव प्रसारण देखने के लिए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही तिलक हाल में साधु संतों के साथ बैठे थे। तिलक हाल में प्रसारण के लिए खास इंतजाम किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ समेत मंदिर परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रयागराज में यमुना तट पर स्थित पौराणिक मनकामेश्वर महादेव मंदिर में लाइव प्रसारण देखा और शिव का रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की। कामेश्वर मंदिर में अभिषेक भी किया और यहाँ पर बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी सुनने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे माननीय अध्यक्ष और हमारे माननीय जन विधायक और सभी पदाधिकारी गणाए हैं। वहीं इस मौके पर अयोध्या के क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भी रुद्राभिषेक कर पीएम का लाइव प्रोग्राम देखा। इस प्रकार का लोक कल्याण निश्चित तौर से भारत को परम वैभव और विश्व के बंधुत्व में सबके बेहतर भलाई में सक्षम राष्ट्र में और से और स्थापित करेगा। इस भाव से आज की पूजा हम सब कर रहे हैं। जिस वक्त पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर में शिव की पूजा में लीन थे, उस वक्त मथुरा के रंगेश्वर महादेव मंदिर में यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी शिव का रुद्राभिषेक किया और वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े। टीम न्यूज स्टेट। और यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के, ज्यादा लौटते हैं और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने भगवान केदार का रुद्राभिषेक कर उनकी आरती की। इसके बाद पीएम मोदी ने पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम की परिक्रमा की। उसके बाद पीएम मोदी भीमशिला पहुंचे, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। एक बार आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दर्शन करने के बाद, केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद, उन्होंने इस मंदिर की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद वो यहां पर पहुंचे थे। इस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और इन मूर्तियों के सामने उन्होंने हाथ जोड़े नमन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे निकल गए। देखिए, हम चलते चलते आपको जरा दिखा देना चाहते हैं कि जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो परिकल्पना कैसी है, वो किस तरीके से चाहते हैं कि जो केदारपुरी है उसका विकास हो, किस तरीके से केदारपुरी को तैयार किया जाए, बनाया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री ने जो स्वरूप तैयार किया है, जो वो चाहते हैं, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये वो पूरी परिकल्पना है और कुछ इस तरीके से केदारनाथ धाम आपको नजर आएगा और पहले किस तरीके का ये नज़ारा था वो भी इसमें दिखाया गया है। और आने वाले दिनों में देखिए, इस पर डेट भी लिखा हुआ है 30/9/2022, जो एक्सपेक्टेड कंप्लीट करने की जो तारीख है वो ये है 30/9/2022 और अनुमान लगाया जा रहा है कि तब तक इस केदारनाथ पुरी को इस तरीके से विकसित कर लिया जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद जब ऊपर आए तो वो पहुंचे भीमशिला के पास। और भीमशिला, वही भीमशिला जिसके बारे में कहा गया कि 2013 में जब आपदा आई थी तो इसी भीमशिला की वजह से मंदिर बच पाया था। प्रधानमंत्री ऊपर आए और यहाँ पर भी उन्होंने शीश नवाया, यहाँ पर भी उन्होंने भीमशिला को हाथ जोड़कर प्रणाम किया क्योंकि अब श्रद्धालु आते हैं तो इस भीमशिला की भी पूजा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विद्यानाथ झा।
पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने 130 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया है और मंदिर से जाने के बाद पीएम ने क्या कुछ किया, हमारे संवाददाता की आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे तो मंदिर में दर्शन करने के लिए वो मंदिर के इसी द्वार से अंदर गए। देखिए किस तरीके से मंदिर को फूलों से सजाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले। हालांकि दिवाली के मौके पर भी इस मंदिर की जो छटा थी वो देखने लायक थी। और इसी द्वार से अंदर जाते हुए हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, आप लोगों ने पूजा अर्चना करवाई, प्रधानमंत्री जी ने क्या आप लोगों से बात की? मैं तो आपके साथ में था, प्रांगण दीर्घा में था। मैं पूजा अर्चना तो उनके तीर्थ पुरोहित जी ने करवाई, मैं तो तीर्थ पुरोहित हूँ, मैंने उनकी स्पीच सुनी है जी। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए, साधु संतों से उन्होंने बात की, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या किसी तरह का आश्वासन संदेश वो देते हुए नजर आए? मैंने उनके संबोधन में एक चीज़ सुनी थी कि यहाँ भविष्य में आने वाले समय में यहाँ यात्री कार से आएगा, टैक्सी से आएगा। ये सुन के अच्छा लगा, एक साधन और जुड़ जाएगा तो अच्छी बात है, सबको सुविधा मिलेगी और यात्री भी ज़्यादा आएंगे। जिन पुरोहितों ने प्रधानमंत्री की पूजा करवाई यहाँ पर, उनसे आपकी बात हुई होगी, ज़रूर मुलाकात हुई होगी, तो उन्होंने बताया कुछ प्रधानमंत्री से क्या संवाद हुआ? देखिए, पुरोहित प्रवीण तिवारी हैं और हमारे समाज से ही हैं वो प्रधानमंत्री जी के। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी जब 4 बार आए थे तो उन्होंने ही उनकी पूजा अर्चना की। और तीर्थ पुरोहित यहाँ पर आशीर्वाद देता है और अपने नाम में, अपने पोथी में वंशावली लिखता है। ये क्रम जारी रहता है और अभी भी रहा होगा। और तीर्थ पुरोहितों की तरफ से उनकी एक मांग थी प्रधानमंत्री जी से, जैसे आज ये है 1939 एक्ट जो कमेटी यहाँ पे BKTC चलती है, तो उसके ऊपर एक देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है जो बहुत जंबो बोर्ड है और यहाँ के अनुकूल नहीं है, और जिसको लेकर के जिसकी नकल से जो बोर्ड ये यहाँ पे बनाया गया है तो वो यहाँ के लिए बहुत सुटेबल नहीं है। उस तो पर भी आप लोगों की बात? हाँ, उस पर हमारा ज्ञापन भी था और हम लोगों ने रिक्वायर प्रार्थना की ये बोर्ड जो है देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दें। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है, जिसके लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका आभार भी जताया है। पहाड़ों पर रेल परियोजनाओं के साथ साथ प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार की मदद के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में हुए हैं। आपके निर्देशन में केदारपुरी में जहाँ प्रथम चरण में 225 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए 245 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत आपके निर्देशन में हो चुकी है। वहीं गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए भी करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। द्वारा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। मोदी जी ने सपने को साकार किया है पहाड़ में रेल को देखने का। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। वही सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना जो 154 किलोमीटर की है टनकपुर से बागेश्वर, उस योजना को भी आपके निर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह 4 धाम ऑल वेदर रोड है भारतमाला प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। नैनीताल में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पीएम की केदारनाथ यात्रा का प्रसारण टीवी के जरिए लाइव देखा। वह बंशीधर भगत के साथ जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, अजय गोपाल, गोपाल रावत समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पीएम की भाषा को सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री ने मां नैन देवी के दर्शन भी किए और सौंदर्यीकरण काम का निरीक्षण किया। बंशीधर भगत ने कहा है कि केदारनाथ पीएम की निरंतर निगरानी की वजह से अस्तित्व में आया। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे पर शिव भक्ति पर सियासत जोरों पर है। तो वहाँ राजनीतिक भाषण के लिए आए हैं, उनको अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए आए हैं और हम अपने शिवालयों में ही जो है ज्योतिर्लिंग देखते हैं, हम अपने ही शिवालयों में जो है भगवान केदार देखते हैं, तो हम यहाँ शिवालयों में जल चढ़ाने आए हैं। और सारे राज्य भर में कांग्रेस के लोग जल चढ़ा रहे हैं, बार बार शिवालय हर जगह छाटे हैं क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं वह छाटे हैं। और हमने देश के अंदर अमन शांति रहे, सौहार्द रहे, भाईचारा रहे, हमारा लोकतंत्र बचे, हम इसके लिए जल चढ़ा रहे हैं। बीजेपी के आला कमान को ये समझ आ गया है कि
ये जो पंडा पुरोहितों ने उनका बहिष्कार किया है और जिस प्रकार से उनका विरोध, उनके नेताओं का विरोध हो रहा है, उससे उनको लगता है कि उनकी कुर्सी खिसकने वाली है। इसी को चलते प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए और मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं। और अभी के इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही।